रामनगर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के अलावा भी कई आकर्षण के केंद्र दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए तैयार किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 70 एकड़ क्षेत्र में भक्तों के पूजा अर्चना, कर्म कांड, ध्यान, ज्ञानार्जन के साथ ही आराम का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मुख्य मंदिर के निर्माण पूरा होने के बाद ही इस पर काम शुरू होगा। 54,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का काम लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह की छत के बाद अब मंदिर की फर्श का काम शुरू होने वाला है। अगले वर्ष जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। मंदिर के परकोटे के 6 स्थान पर मंदिरों की स्थापना की जाएगी। दर्शन शुरू हो जाने के बाद इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2025 तक सभी निर्माण पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। 70 एकड़ क्षेत्र में राम कुंड का निर्माण किया जाएगा। राम कुंड में भक्तों के लिए यज्ञशाला का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से कर्म क्षेत्र में अनुष्ठानों के लिए परिसर का निर्माण किया जाएगा, ताकि दूर दूर से आए भक्त अपनी मनोती आदि पूरी होने पर जरूरी अनुष्ठान आदि पूरी करा सकें। इसी परिसर में एक सत्संग भवन भी बनाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में भक्त बैठकर प्रभु राम की प्रार्थना कर सकेंगे। दूर दूर से आए भक्तों के लिए इसी परिसर में एक भक्ति टीला विकसित किया जाएगा, जिसमें भक्त बैठकर ध्यान लगा सकेंगे। इसी तरह से लक्ष्मण वाटिका का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसमें एक संगीत में फुहारा लगाया जाएगा। माता सीता रसोई अन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में भक्त प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। यह एक बड़ा भवन होगा, जिसमें एक साथ ज्यादा लोगों का खाना बनाने, रखने व खिलाने की जगह होगी। राम की कहानी भक्तों के लिए सुलभ तरीके से सामने आए, इसके लिए 2 विशेष भवन बनाने की योजना है। हालांकि इसे बाहर शिफ्ट करने की भी चर्चा है। तुलसी नाम के स्थान पर एक ओपन एयर थिएटर होगा, जिसके चारों ओर दर्शक बैठ सकेंगे। इसी तरह से रामांगन में राम से जुड़ी फिल्में, चित्र, नाटक आदि हो सकेंगे। रामांगन इंडोर होगा। श्रद्धालु सनातन परंपरा को आने वाली पीढ़ी ठीक ठाक से जान सके, इसके लिए भी कई भवनों का प्रस्ताव किया गया है। खासकर रामलला पुराकालिक दर्शन में राम जन्मभूमि से संबंधित पुरातत्व विभाग का डिस्प्ले लोगों का ज्ञान वर्धन करेगा। इसी तरह से गुरु वशिष्ठ पीठिका में वेद पुराण, रामायण, संस्कृत का अध्ययन व अनुसंधान लोग कर सकेंगे। वहीं माता कौशल्या वात्सल मंडप में एक प्रदर्शनी श्रद्धालुओं को सनातन परंपरा से रूबरू कराएगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।